ये जो आया देर आया अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया। मोदी जी को देखकर टीवी में जो देखती हूँ, मैं रोज देखती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा करा इन्होंने हमारे साथ, लेडीज के साथ, महिलाओं के साथ, मुसलमान के साथ बहुत ही अच्छा करा, चाहे वो देर आए आए। क्या लगता है कि अब इंसाफ मिल पाएगा जो 3 तलाक की जो उम्मीद तो है, उम्मीद तो है मिलेगा इंशाल्लाह, जब आगे ये इतना आगे और करीब तो और करीब आ जाएगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। जो पीड़ित है बहुत सुधार आएगा उनकी जिंदगी में, स्कोप से बाहर निकलेंगी कि हमें तलाक मिल जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमें कौन खिलाएगा, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। वो अपने शौहर के खिलाफ शिकायत भी कर सकती है। एक जो बार बार जो विपक्ष है वो ये कह रहा था कि अगर 3 साल की सजा का प्रावधान अगर उसमें रखा गया है, अगर शोहर को 3 साल की सजा हो जाती है तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? जब कानून पास किया है तो उसके लिए भी कुछ तो इंतजाम किए ही होंगे, मोदी जी ऐसी ना थोड़ी कोई कानून बना देंगे। जो विरोध कर रहे हैं वो मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, जिन्होंने पक्ष में काम करा उन्होंने 3 तलाक का बिल जो है पास करवा दिया, तो जो विरोधी हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े, उनकी महिलाएं सशक्त हों, ताकतवर हों, क्योंकि ना राजनीति में ना किसी चीज़ में, जब महिलाओं को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, तो वो आगे चल के अपने भविष्य के बारे में भी सोचेंगी, वो घर में ना रह के नहीं है, बाहर भी जाएंगी, राजनीति में भी आएंगी। अब क्या है वो डर के मारे रह जाती हैं कि मेरे आदमी जो तलाक दे देगा मुझे, हैं तो वो कुछ भी अपने बाहर निकल के कुछ भी काम नहीं कर पाती, ना ढंग से पढ़ पाती ना पढ़ा पाती। इसमें तो ऐसा है जी, जो पहले भी होता आया, जो पहले वो तलाक देता था वो कौन सा खर्चा देता था, इद्दत के नाम पे क्या 200, 400, 1000, 2000 रुपए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। आज कम से कम घबराएगा डरेगा, 3 साल की सजा का जो प्रावधान रखा है ये इसलिए रखा है कि वो डरेगा घबराएगा, 3 तलाक देने में 100 बार संकोच करेगा। हम इतने खुश हैं और आज हमारी मुस्लिम बहनों को जो है इतनी बड़ी जीत मिली है, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने एक इतना बड़ा इनाम मुस्लिम महिलाओं को दिया है कि मुस्लिम महिला जो है खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अभी अपनी मुस्तफाबाद विधानसभा से आया हूँ, वहाँ भी जो है ज़ोर शोर से कि खुशी की लहर चल रही है महिलाओं में, कि वे कह रही हैं कि अब मुद्दत के बाद हमें जो है हमारा हक मिला है और हक देने वाले मोदी जी हैं, ये सब चीज़ें जायज़ हैं, देखो होना चाहिए ऐसा। अगर पहले क्या होता था, मुस्लिम जो युवा होते थे, आदमी होते थे, वे जरा सी बातों पे जो है हमारी बहन बेटियों को तलाक दिया दे थे, अब जो है वे इतने डरेंगे, इतने घबराएंगे कि वे अपनी जो है ना अपनी परछाई से भी डरेंगे कि किसी को भी ऐसे तलाक नहीं देना, क्योंकि जो 3-3, 4-4 बच्चों की जो माएँ होती थी उनको तलाक दे दिया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो अब जो है वो बर्बादी से हमारी जो मुस्लिम महिलाएं बच जाएंगी।